जबलपुर जिला कोर्ट में पार्किंग की मांग को लेकर धरने पर बैठे 20 से ज्यादा वकीलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन वकीलों को गिरफ्तार करने के बाद अस्थायी जेल में रखा है। दरअसल जिला कोर्ट में लंबे समय से वहां पैरवी करने वाले वकील पार्किंग की मांग कर रहे थे और कई मर्तबा जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी इस विषय में जानकारी दी गई, पर वकीलों के पार्किंग की कोई भी व्यवस्था जब नहीं हुई तो परेशान होकर वकीलों ने जिला कोर्ट परिसर के भीतर ही धरना दे दिया। 20% पार्किंग भी नहीं मिल रही है वकीलों को। प्रदर्शन कर रहे वकीलों की मांग है कि इतने बड़े जिला कोर्ट परिसर में उन्हें अपने वाहन पार्किंग के लिए 20% जगह भी नहीं मिल पा रही है। वकीलों ने साथ ही मांग की थी कि उन्हें एक नंबर गेट से अपने वाहनों के साथ अंदर जाने दिया जाए, जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मना ही कर दिया। इससे नाराज होकर वकीलों ने कोर्ट परिसर में ही धरना दे दिया। पुलिस ने किया 20 से ज्यादा वकीलों को गिरफ्तार। पार्किंग की जगह न मिलने से नाराज होकर वकीलों ने जिला कोर्ट परिसर के अंदर ही धरना दे दिया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल आया और प्रदर्शन कर रहे वकीलों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें पुलिस लाइन में बनी अस्थायी जेल ले जाया गया। इधर वकीलों का कहना कि जब तक पार्किंग की व्यवस्था जिला कोर्ट में नहीं की जाएगी तब तक उनका यह विरोध जारी रहेगा। आज हम लोग अधिवक्तागण हमारी एक चिर परिचित मांग रही है कि जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं की गाड़ियां फोर व्हीलर, टू व्हीलर की बात नहीं करता हूं मैं, फोर व्हीलर की गाड़ियां जो हैं वो गेट नंबर 1 की पार्किंग में जाने दिए जाने की अपेक्षा और आशा के हमने माननीय जिला न्यायाधीश से की थी। इसके पूर्व जब ये बना था भवन तो पूर्व से ही जिला अधिवक्ता संघ के समस्त अधिवक्ताओं की गाड़ियां केवल पार्किंग में 40-50 गाड़ियां कार जो है वो एक नंबर पार्किंग में जाया करती थी। अभी तत्काल में परिस्थितियों में दो महीने पहले माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एक नंबर की पार्किंग को अधिवक्ताओं के लिए बंद कर दिया गया। वर्तमान परिस्थिति हमारी ऐसी है कि हमारे को जो पार्किंग दी गई है वो पूरी पार्किंग का हिस्सा जो है केवल 20% है लगभग, और लगभग 80% पार्किंग जो है वो यहाँ एक नंबर गेट से लेके 3 नंबर गेट तक में ही पूर्ण हो जाती है। हमारे पास पार्किंग का अत्यंत अभाव है। इसकी मांग को लेकर हमने माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय को पत्र लिखा, उसी परिप्रेक्ष्य में मगर हमारी सुनवाई जब नहीं हुई उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम शांतिपूर्वक धरने में बैठे हुए हैं। हमने न किसी को अंदर आने से रोक रहे हैं न जाने से रोक रहे हैं। माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय अन्य पदाधिकारी साहब जितने भी जजेस हैं वो अपने अंदर जा रहे हैं। हमने किसी प्रकार की कंटेंट में किसी कार्रवाई का किसी का नहीं है न हमने कुछ किया है। हम शांतिपूर्वक अधिवक्ताओं के साथ में धरने में बैठे हैं कि हमारी मांगों को स्वीकार करके हमारे प्रति भी कुछ अच्छा सोचने का प्रयास किया जाए, इसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। धन्यवाद। शांतिपूर्वक धरने के लिए हमारी मांग केवल इतनी थी कि चूंकि गेट नंबर 1, 2, 3, 4 गेटें हैं जहां पर तीन जी सर हाँ तो जहां पर गेट जहां पर चार गेटें हैं एक नंबर गेट उन्होंने अपने लिए आरक्षित कर दिया, 2 नंबर गेट माननीय हाई कोर्ट जस्टिस के आदेश पर खोला गया था वो आज भी पूरा नहीं खुला हुआ है, उससे गाड़ियां फोर व्हीलर नहीं जा रही है। फोर व्हीलर जो है वो जाने नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर हमारे द्वारा आज माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय को माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष निवेदन किया कि हमको एक नंबर से पार्किंग देने दी जाए, मगर उनके द्वारा पार्किंग में नहीं प्रवेश करने दिया गया तो हमने शांतिपूर्वक धरना दिया। अपनी ये मांग रखी कि हमको एक नंबर गेट से जाने दिया जाए क्योंकि पूरी पार्किंग व्यवस्था जो है आपके पास में 80% है, हमारे पास मात्र 20% पार्किंग है और 20% पार्किंग में केवल पक्षकारगण भी अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, अधिवक्तागण अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं। ऐसी स्थिति में आज आलम यह है कि हमारी गाड़ियां गेट नंबर 3 से लेकर 4 तक अधिवक्ताओं की सारी कारें जो है वो सड़क में पार्क हो रही हैं और गेट नंबर 1 से लेकर 4 तक जो पार्किंग है उसमें इतनी जगह है, इतनी पर्याप्त व्यवस्था है, इसके बावजूद भी माननीय जजेस के द्वारा हम लोग को गाड़ी पार्क करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप हमने आज यहाँ उपस्थित हुए माननीय एडिशनल एसपी साहब कासाई साहब मौजूद हैं, उनके द्वारा कहा गया कि आपको हम गिरफ्तार कर रहे हैं तो हम इस मामले में गिरफ्तारी दे रहे हैं। अभी हमने माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय की एक न्यायालय की मात्र ऊपर कर आई यहाँ पर जिला सत्र न्यायालय के गेट नंबर 1 के सामने वकील धरने पर बैठे हुए थे। इनके द्वारा जजेस को माननीय जिला न्यायाधीश साहब और अन्य जजेस को रोका गया था तो उसके बाद इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उसके बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कारण है सर इन लोग जो धरने में बैठे थे? और यहाँ पर जजेस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और वकीलों का जो भी कुछ किसी बात पर नेगोशिएशन नहीं बन पा रहा तो वो जो इनकी बात चलेगी उसी के बाद ही उसके बारे में कहा जा सकता है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।